वन ब्लॉक फ्लोटिंग इन अ बकेट ऑफ वाटर हैज 4/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड, मतलब कि 1/5 वॉल्यूम जो है दिख रहा है और 4/5 वॉल्यूम डूब चुका है। ये जो है सबमर्ज्ड पार्ट, इसी से एक कंडीशन निकल आएगी। When certain amount of an oil is poured into the bucket, it is found that the block is just under the oil surface with half of its volume under water and half in oil. The density of oil relative to that of water is. अब जब इसमें oil डाल दिया गया तो ये मामला कुछ ऐसा हो गया। पहले ब्लॉक ही बना लेते हैं, ऑयल तो वाटर के ऊपर रहेगा ना। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, ऑयल क्योंकि हल्का होता है इससे, और डेंसिटी ऑफ ऑयल रिलेटेड टू वाटर पूछा भी गया है, और सारे ऑप्शन वन से कम है, तो इससे थोड़ा अंदाजा लग सकता है कि जो हम लोगों ने ऑयल लिया है वो हल्का है। मतलब अगर नन ऑफ दीज होता तो फिर दिक्कत हो जाती। खैर, तो ये अजम्पशन है कि ये जो ऊपर वाला गोल गोल बॉल्स तैर रहे हैं जिसमें, दैट इज ऑयल। तो अब क्या स्थिति है कि जो ये 4/5 था वो घटकर 1/2 हो गया है। मतलब 1/2 वॉल्यूम होता है बच्चों, ये हाइट से ही दिखा दिया जाता है, ये मान के चलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, है ना। तो दिस इज 1/2 और फिर ये ऊपर वाला भी जो है वो भी 1/2, ये ऐसा बोल रहा है, हाफ हाफ है ना। ओके, तो सिचुएशन तो हम लोगों ने समझ ली कैसा क्या हो रहा है। तो एक कुछ इक्वेशन यहां से बनेगी, कुछ इक्वेशन यहां से बनेगी, और अंत में हमें रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल विद रेस्पेक्ट टू वाटर निकालना है। यानी क्या निकालना है हमें, डेंसिटी ऑफ ऑयल, ऑयल को यार रो जीरो लिख दूंगा मैं, मतलब ये निकालना है, लेकिन हम लोग सिंबल यूज करेंगे रो ओ डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू, ठीक है। चलिए अब यहां पर क्या सिचुएशन है इसको समझ लेते हैं। भाई ये नीचे जाना जाता है ग्रेविटी की वजह से, तो mg, लेकिन ऊपर भेजा जा रहा है बॉयंट फोर्स की वजह से, तो fb। mg अगर मान लीजिए हम लोग डेंसिटी ऑफ ब्लॉक या डेंसिटी ऑफ सॉलिड मान ले रो एस, और ये जो ब्लॉक है सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड रो एस है, डेंसिटी ऑफ वाटर रो डब्ल्यू हम लोग ले चुके हैं, और डेंसिटी ऑफ ऑयल हम लोग रो जीरो ले चुके हैं। सॉलिड, वाटर और ऑयल, ये तीनों की डेंसिटी हम लोगों ने लिख ली। तो mg जब है, मास ऑफ द ब्लॉक नीचे, वेट ऑफ द ब्लॉक उसे नीचे ले जा रहा है, तो m की जगह हम लोग रो v लिख सकते हैं, वेयर v इज द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, और ब्लॉक की डेंसिटी क्या है, सॉलिड की डेंसिटी ये रो s। तो g, हाँ थोड़ा लगातार आप मत बोलते रहिए, मतलब जब मैं पूछूं तब बोलिए। अच्छा, f बॉयंट क्या है, बॉयंट फोर्स, तो बॉयंट फोर्स इसको ऊपर की तरफ लग जा रही है, बॉयंट फोर्स होती है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना है 4/5, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वी की जगह 4v/5, पूरा वॉल्यूम नहीं डिस्प्लेस हुआ है, 4/5 वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है इंटू जी। तो यहां से एक आइडिया लग गया कि जी जी कट गया,
वी कट गया और रो एस बाय रो डब्ल्यू हम लोगों ने निकाल लिया 4/5। हो सकता है कि इसकी भविष्य में कभी जरूरत पड़े, इसको एक जगह लिख लेते हैं। यहां पे मामला अलग हुआ जा रहा है, यहां mg नीचे ले जा रहा है लेकिन ऊपर ले जाने वाले दो हैं। दिस वॉज एफ बॉयंट ड्यू टू वॉटर। यहां पे एफ बॉयंट ड्यू टू वॉटर भी है, एफ बॉयंट ड्यू टू ऑयल ऑयल भी है। वेरी गुड। तो यहां पे फिर से एम जी इज इक्वल टू एफ बॉयंट ड्यू टू वॉटर, एफ बॉयंट ड्यू टू ऑयल, दोनों लगाएंगे एम जी की जगह। अब तो सीख गए हैं रो एस वी जी। अब तेजी से काम होगा, रो डब्ल्यू वी बाई टू जी, रो जीरो वी टू बाई टू जी। हाँ, क्योंकि भाई यहां पे वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड 4/5 था तो ऐसा रो वी जी लग रहा है, यहां वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय वॉटर की वजह से रो वी जी डिवाइडेड बाय टू, क्योंकि आधा वॉल्यूम डूबा हुआ है, ऑयल की वजह से रो वी जी डिवाइडेड बाय टू आधा वॉल्यूम। मतलब दो, अब थ्रस्ट देने वाले दो दो लिक्विड मिलके अब थ्रस्ट दे रहे हैं, ये इस क्वेश्चन की ब्यूटी है। ठीक है, अब वी जी उड़ा देते हैं। चलो भाई, तो अभी मतलब ये भी एक बहुत बढ़िया रिलेशनशिप आ गया कि रो एस इज इक्वल टू रो डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टू प्लस रो जीरो डिवाइडेड बाई टू। लेकिन अभी इससे कुछ हासिल नहीं हुआ, हमें क्या निकालना है, रो जीरो डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। तो टू को उस तरफ भी ले जा सकते हैं, टू रो एस रो इक्वल टू रो डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस रो। प्लस रो जीरो। सर आप ऐसा कर सकते कि थ्रू आउट को रो डब्ल्यू से डिवाइड कर देंगे बिल्कुल रो एस बिल्कुल, को वही ले और वही फिर करना ही उसको। पड़ेगा, वही करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बताया आपने। तो हमें निकालना क्या, रो जीरो बाय रो डब्ल्यू, वो यहां हम लोग ला चुके हैं, और रो एस बाई रो डब्ल्यू ये ला चुके हैं। बहुत बढ़िया, 4/5 रो एस बटे रो डब्ल्यू, 4/5 ला चुके हैं, रो डब्ल्यू बटे रो डब्ल्यू 1 हो गया, और यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल विद रेस्पेक्ट टू वाटर था। ये 2 चौके 8/5 -1 पांच, और 3/5 हो गया। 3/5 भी बढ़िया आंसर होता है इसका, लेकिन इन्होंने डेंसिटी के हिसाब से मतलब रिलेटिव डेंसिटी के हिसाब से बोला गया है। थ्री बाई फाइव इज 0.6, रोज ओ डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.6। यही है हमारा जो इन्होंने बोला है डेंसिटी ऑफ, नहीं बल्कि रिलेटिव, नहीं डेंसिटी ऑफ ऑयल रिलेटिव टू वाटर। सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ।